साथियों, आपका ये प्रधान सेवक, ये चौकीदार बिचौलियों को हर रास्ते से हटा रहा है। देश के गरीब को जो लाभ देना है वो सीधे उनके खाते में जा रहा है। यही कारण है कि ईमानदार को मोदी पर भरोसा है, वहीं जो भ्रष्ट है उसी को मोदी से कष्ट है। आप देख ही रहे हैं दिल्ली में कैसे कैसों का नंबर लग रहा है, जिनकी कमाई के बारे में बात करने से लोग डरते थे, आज कोर्ट में एजेंसियों के सवालों के सामने हाजिरी लगा रहे हैं। देश विदेश में बेनामी संपत्तियों का हिसाब दे रहे हैं। देश के गरीब का राशन हो, गरीब किसान की जमीन हो, या फिर देश की सुरक्षा से जुड़े सौदे हो, जिसने भी दलाली खाई है, एक एक करके उसकी बारी आ रही है। साथियों, ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों को भी नहीं छोड़ा। कर्नाटका के लोग तो इसके भुक्तभोगी हैं। चुनाव से पहले कर्ज माफी के बड़े बड़े वायदे किए गए थे, उसका क्या हुआ? कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ? साथियों, वादा किया था 43 लाख किसानों की कर्ज माफी का, और अभी तक माफी हुई सिर्फ 60,000 किसानों की। यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी कर्ज माफी का सच है। भाइयों और बहनों, ये लोग दशकों से यही खेल खेलते आ रहे हैं। ये वोट के लिए कर्ज माफी की 10 वर्षीय योजना लेकर आते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, और असल में कर्ज माफी होती है 100 में से मुश्किल से 25 या 30 किसानों की। उसमें भी अधिकतर तो कुछ 100 रुपये मिलते ही है और बाकी बिचौलियों की जेब में चले जाते हैं। साथियों, इस स्थिति को बदला जाना आवश्यक था, इसलिए आपका ये प्रधान सेवक देश के लगभग 12 करोड़ किसान परिवारों की सीधी मदद करने वाली योजना लेकर के आया है। इस योजना का लाभ हर 100 में से लगभग 90 किसानों को मिलना तय है। ऐसे किसान परिवार जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उनको हर वर्ष 6,000 रुपये केंद्र सरकार सीधे बैंक खाते में देगी। ये पैसा 2-2 हजार की 3 किस्तों में खाते में जाएगा। साथियों, ये जो पीएम किसान योजना है, इसकी तुलना अगर कांग्रेस की 10 वार्षिक कर्ज माफी स्कीम से करें तो आपको नीति और नियत में अंतर स्पष्ट नजर आएगा। पीएम किसान योजना कोई वन टाइम योजना नहीं है, बल्कि हर साल इसका लाभ मिलने वाला है। यानी कांग्रेस 10 वर्ष बाद 50-60 हजार करोड़ की कर्ज माफी लेकर के आती, लेकिन पीएम किसान से अभी की स्थिति के हिसाब से ही 10 वर्ष में 7.5 लाख करोड़ रुपये किसानों तक पहुंचने वाले हैं। 7.5 लाख करोड़ रुपये।